हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 6 संस्थागत वित्त एवं विनियोजन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। स्पेशली बड़े क्वेश्चन यानी कि कथन आधारित क्वेश्चन, सत्य असत्य कथन वाले क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे टाइप के जो है बड़े साइज के क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस चैप्टर से देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक, सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इन बुक डिपो में जाकर के आप हमारे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 6 संस्थागत वित्त एवं विनियोजन। इस अध्याय 6 संस्थागत वित्त एवं विनियोजन के अंतर्गत हम केंद्र सरकार की कुछ पुरानी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की कुछ पुरानी योजनाएं जो कि वर्ष 2014, 15, 16 के आसपास इन योजनाओं को अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया गया था। योजनाएं भली पुरानी हैं, लेकिन ये योजनाएं आज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इन योजनाओं में कुछ अपडेशन आते हैं, ठीक है, और वो जो अपडेशन है वो आंकड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी योजनाएं हैं जिनके लागू होने से हमारे पूरे भारत भर में अखिल भारतीय स्तर पर एक नई क्रांति की शुरुआत हुई, एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आए हैं ये सभी के सभी योजनाएं, ठीक है। तो ये योजनाएं हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे वित्तीय समावेशन एवं सुरक्षा योजना। वित्तीय समावेशन एवं सुरक्षा योजना, यहाँ पर आपका टेबल बना हुआ है जिसमें एक तरफ योजनाओं की सूची दी गई है, उसके बाद वो योजनाएं किस तिथि को लागू किया गया, इस योजना के अंतर्गत कौन कौन पात्र होंगे, योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, योजना में क्या कवर या क्या लाभ दिया जाएगा, और जून 2023 तक की स्थिति में इस योजनाओं में क्या अपडेशन है, ठीक, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। यहाँ पर काफ़ी ईजीएस्ट वे में टेबुलेशन फॉर्म में आप लोगों के लिए मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, इसी वे में इन चीज़ों को याद कीजिएगा, वरना गवर्नमेंट का ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे उठा करके देखेंगे तो पूरा थ्योरी भर दिया है, उससे पढ़ने बैठेंगे तो आसानी से याद नहीं होता। अगर ऐसे क्लासिफाइड करके करेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को लक्षित करते हुए एक नई योजना की घोषणा की गई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, ध्यान समझना। इसकी घोषणा कब की गई थी, 15 अगस्त 2014 को, वर्ष 2014 में ये योजना लागू हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को लक्षित करते हुए, ग्रामीण विलेज एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को लक्षित करते हुए एक नई योजना की घोषणा की गई थी, जो कि था आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें ग्रामीण परिवारों क्यों लक्षित किया गया, देखिए एक्चुअली में जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार है वो रोजी के आधार पर कार्य करते हैं, ठीक है, उनके पास पैसों का अभाव होता है, रोजमर्रा में कमाते हैं, खाते हैं, पैसे अपने पास ही सुरक्षित रखते हैं, वो बैंकों में जाकर के पैसों को जमा नहीं करते, ठीक है। और उसका भी एक कारण है, जो आपके जो कमर्शियल बैंक है उन बैंकों में अगर आप खाता खुलाने जाएंगे तो आपको एक मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है तो उसमें आपको 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये तक का एक न्यूनतम जमा राशि अपने खाते में मेंटेन करना होता है। अगर उस न्यूनतम जमा राशि से पैसा कम हुआ तो बैंक आप पे पेनल्टी भी लगा देता है। और वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की बात हो गई और उन प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में अगर आप पैसा जमा करने के लिए जाएंगे तो उसमें 5000, 10000, 15000 तक के लिमिट के मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपको अपने खाते में मेंटेन करना होता है। अगर उस मिनिमम अकाउंट बैलेंस से पैसा कम हुआ तो वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी पेनल्टी लगा देते हैं।
तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार अपने पास से 1,000 रुपए भी अगर बैंक में जमा रखेंगे तो उनका 1,000 रुपए बैंक में फंस जाएगा, वो पैसा उनके किसी कार्य का नहीं रह जाएगा, ऐसी उनकी विचारधारा है। और वो सही भी थी, क्योंकि वो रोजी दैनिक भत्ता के आधार पर वो कार्य करते हैं। सुबह निकलते हैं काम करने के लिए, ठेकेदार हो या कहीं सरपंच, कहीं अगर कार्य चल रहा है, पैसा मिलेगा तो उससे घर में वापसी के टाइम पे सब्जी भाजी राशन खरीदते हुए आते हैं। इस कारण वो बैंकों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे। इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को लक्षित करते हुए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई। घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2014 को, लागू किया गया 28 अगस्त 2014 को। जिस तिथि में लागू किया गया उस तिथि में केवल ग्रामीण क्षेत्र नहीं, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण शहरी सभी क्षेत्र में इन योजनाओं को लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को जरूर लक्षित किया गया था इस योजना के अंतर्गत, लेकिन लागू करते समय इसे पूरा अखिल भारतीय स्तर के हर क्षेत्र में लागू कर दिया गया। और जो मुख्य कारण था आपका मिनिमम अकाउंट बैलेंस, उसे कर दिया गया आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग, यानी कि कोई भी मिनिमम आपका अमाउंट डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, जीरो बैलेंस में भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की तो फैसिलिटी दी गई है, लेकिन फिर भी ग्रामीण बैंक में जाकर के लाइन लगा करके फॉर्म भर के पैसा भरेंगे क्यों? तो ऐसे लोगों को आकर्षित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत खाता खुलाने वाले खाता धारकों को कुछ लाभ भी दिया गया। कैसा लाभ दिया गया? देखिए, इस योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति अपना खाता खुलाएगा तो खाता धारक को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। बीमा कवर दुर्घटना बीमा में 1,00,000 रुपए की राशि, जीवन बीमा के तौर पर 30,000 रुपए की राशि और ओवरड्राफ्ट के तौर पर 10,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के अपना खाता बैंकों में खुलवाए। ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी रखी गई, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग रखा गया तो लोग बैंकों में जाके लाइन लग के फॉर्म भर के अपना अकाउंट खोलेंगे ही। तो लोगों को आकर्षित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत जो अपना बैंक अकाउंट खुलवाएगा उसे दुर्घटना बीमा पर 1,00,000 रुपए की राशि, जीवन बीमा के तौर पर 30,000 रुपए और ओवरड्राफ्ट के तौर पर 10,000 रुपए की आपकी फैसिलिटी प्रदान की गई। ठीक है, ये था आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा सकता है। हमारे भारत देश में जो आपका वयस्क है, वयस्क की आयु क्या निर्धारित है? 18 वर्ष। यहाँ पे कहा जा रहा है 10 वर्ष, यानी कि 10 से लेकर के 18 वर्ष आयु वर्ग के लोग जो कि अवयस्क है, ठीक है, जो कि अवयस्क है, एडल्ट नहीं है, वो अपने गार्जियन यानी कि माता पिता की निगरानी में भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी प्रदान की गई है। इसमें खाता धारक को बीमा कवर प्रदान किया जाता है। दुर्घटना बीमा यानी कि ऐसे खाता धारक जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अपना बैंक में अकाउंट खुलवाए हैं, अगर उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 1,00,000 रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, बीमा राशि 1,00,000 रुपए प्रदान की जाएगी। कंडीशन है कि खाता धारक के पास रुपे कार्ड होना जरूरी है। रुपे कार्ड एक प्रकार का डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है जीवन बीमा, यानी कि सामान्य स्थिति में इस प्रधानमंत्री सुरक्षा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो खाता खुला है, जो खाता धारक है, उसकी सामान्य स्थिति में अगर मृत्यु होती है तो उसे 30,000 रुपए की राशि उसके परिवार को प्रदान की जाएगी। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में 10,000 रुपए की राशि, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी कि एक प्रकार का ऋण है, लोन है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए किसी खाता धारक ने अपना बैंक में एक अकाउंट खुलाया तो अगले 6 महीने के भीतर या 1 साल के भीतर उनके अकाउंट में कितने की लेन देन हो रही है, यानी कि कितने बार वह पैसा जमा कर रहा है, कितना राशि जमा कर रहा है, कितना राशि निकाल रहा है, यह लेन देन चेक किया जाएगा।
डिपॉजिट क्रेडिट ये सब चेक किया जाएगा, उसके आधार पर मैक्सिमम 10,000 रुपए की राशि, जरूरी नहीं कि 10,000 मिलेगा, उसके लेन देन के आधार पर बैंक में वो कितना लेन देन कर रहा है उसके आधार पर 3,000, 4,000, 5,000 मैक्सिमम 10,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा होगी। ठीक, 1 जनवरी 2023 तक के स्थिति में हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता धारकों की संख्या है 1,72,54,028। कितना? 1,72,54,028 लाभार्थी यानी कि खाता धारक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है और ये 3 जनवरी 2023 तक के आंकड़े हैं। ठीक है, अभी उसके बाद के अपडेट नहीं हुए हैं, अगर अपडेशन आएगा तो उसको मैं करंट अफेयर में कवर करा दूंगा, लेकिन फिलहाल ये आंकड़े 1 जनवरी 2023 तक के हैं। 1,72,54,028 लाभार्थी है इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यहां पर लाइन से तीन योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इन तीनों योजनाओं को एक ही तिथि में लागू किया गया, 9 मई 2015 को। ठीक है, 9 मई 2015 को इन तीनों योजनाओं को एक साथ लागू किया गया था। ध्यान दीजिएगा, एक योजना है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना, जन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना, जो कि 9 मई 2015 को लागू किया गया था, और इस प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत ही ये तीनों योजनाएं आते हैं। कौन कौन से? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये तीनों के तीनों योजना प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के ही पार्ट है। अब प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत इन तीनों योजनाओं को लागू किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना आते हैं। ठीक, अब एक एक करके डिटेलिंग करते हैं, इसे भी थोड़ा ध्यान समझिए। सबसे पहले नंबर पर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह किस तिथि को लागू हुआ पूछा जाए तो 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लागू किया गया। इसके अंतर्गत पात्र कौन होंगे? 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग का व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र होगा। इस योजना के तहत जो आपका व्यक्ति है उसे 436 रुपए वार्षिक प्रीमियम राशि पटाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एक प्रीमियम राशि, एनुअल प्रीमियम निर्धारित किया गया है 436 रुपए। इस योजना के तहत जो आपका बीमा धारक है, जो आपके पात्र हितग्राही है, उन्हें बीमा कवर के तौर पर मृत्यु होने के कंडीशन में उनके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। 2,00,000, ठीक, उसकी मृत्यु होने पर 2,00,000 का बीमा कवर उनके परिवार को प्रदान किया जाएगा। हमारे प्रदेश में जून, यहां देखिए, जून 2023 तक के स्थिति में इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की संख्या कितनी है? 40.70 लाख लाभार्थी इस योजना के तहत आपके लाभ पा चुके हैं। देखिए, ध्यान समझिएगा, यह है क्या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि 9 मई 2015 को अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया गया। इसके अंतर्गत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग का व्यक्ति इस योजना के लिए लाभ होगा। जिन्हें इन योजना का लाभ लेना है उन्हें अपने बैंक अकाउंट को, अपने खाता को, बैंक अकाउंट को इस योजना के तहत लिंक कराना होगा और उनके बैंक खाते से ऑटोमेटिकली हर साल 436 रुपए का एनुअल प्रीमियम उनके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। जब यह योजना आपका शुरू हुआ था 2015 को, तब इसका वार्षिक प्रीमियम राशि था 330 रुपए। कितना? 330 रुपए था। अभी 1 जून 2022 से यह एनुअल प्रीमियम राशि बढ़ा करके कर दिया गया है 436 रुपए। पहले था 330 रुपए, 1 जून 2022 से यह वार्षिक प्रीमियम राशि बढ़ाकर कर दिया गया है आपका 436 रुपए। ठीक है,
और इस योजना के अंतर्गत जो बीमा धारक है, जो पात्र हितग्राही है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी उसके नॉमिनी को। ठीक, इसमें अपना बैंक अकाउंट, खाता धारक को अपना बैंक अकाउंट इस योजना से लिंक कराना होता है और उसके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली 436 रुपए की राशि डेबिट होती है। अगर मान लीजिए किसी कारण से उस खाता धारक के बैंक अकाउंट में मात्र 200 रुपए है और प्रीमियम पे करने का टाइम आ गया, प्रीमियम है 436 रुपए, उसके बैंक अकाउंट में 200 रुपए, यानी कि प्रीमियम की राशि सफिशियंट नहीं है, तो ये जो आपकी बीमा योजना है वो वहीं पर समाप्त हो जाएगी। भले उसने 4 साल 5 साल 6 साल से भले बीमा पटाया हो, प्रीमियम देता आ रहा हो, लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में बीमा राशि किसी साल वो नहीं दे पाता तो वहीं पर बीमा की जो योजना है समाप्त हो जाएगी। ठीक, ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से डेबिट होता है 436 रुपए का एनुअल प्रीमियम। जून 2023 तक की स्थिति में इस योजना से हमारे छत्तीसगढ़ के 40.70 लाख लाभार्थी को जो है लाभ मिल चुका है इस योजना के तहत। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एक तो सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन आएगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, आपके 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही कौन है, 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितनी वार्षिक प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है, तो 436 रुपए। ठीक, अब कथन आधारित प्रश्न क्या पूछेगा, ध्यान समझना, 4 कथन बोल रहा हूं, चारों कथन को ध्यान से सुनना और असत्य कथन पहचानना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को लागू किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पात्र हितग्राही 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राशि 330 रुपए वर्तमान में निर्धारित है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो बीमा कवर है, मृत्यु होने के कंडीशन में बीमा कवर 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अब नीचे कूट दे देगा, कथन 1 सही है, कथन 1-2 सही है, कथन आपका 1-2-3 सही है, कथन 1-2-3-4 सही है, तो कौन सा कथन सही है? केवल कथन 1 और कथन 2 सही है, जिसमें जो लागू होने की तिथि और पात्र हितग्राही थे। कथन 3 में कहा गया था कि वार्षिक प्रीमियम राशि 330 रुपए है, वो कथन गलत हो जाएगा, और चौथे में कहा गया था कि बीमा कवर 1 लाख रुपए मिलेगा जबकि 2 लाख है, तो कथन गलत होगा। तो ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, इसमें कथन आधारित प्रश्न आते हैं, कूट आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना का ही हिस्सा है। 9 मई 2015 को अखिल भारतीय स्तर पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग निर्धारित किया गया है। इस योजना में 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम राशि जमा करना होता है। ठीक है, इसमें बीमा कवर के तौर पर मृत्यु तथा स्थायी विकलांगता के कंडीशन में 2 लाख रुपए, अस्थायी विकलांगता के कंडीशन में 1 लाख रुपए का बीमा कवर उनके परिवार को प्रदान किया जाता है। और जून 2023 तक की स्थिति में इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में लाभार्थियों की संख्या है 98.44 लाख लाभार्थी। देखिए, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 436 रुपए की वार्षिक प्रीमियम राशि थी, वैसे ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपए का वार्षिक प्रीमियम निर्धारित किया गया है। इसमें पात्र हितग्राही 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग को जो है इस योजना के तहत पात्र होंगे। 1 जून 2024 से इस योजना की प्रीमियम राशि 20 रुपए वार्षिक हो गई है। पहले था यह 12 रुपए, पहले था 12 रुपए जब ये योजना लागू हुआ था। 1 जून 2022 को 12 रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया है 20 रुपए। ठीक है, कितना, 20 रुपए। इसमें भी जो है ऑटोमेटिकली जो खाता धारक होंगे, जो बीमा धारक है, बीमा धारक को अपने बैंक अकाउंट को इस योजना के तहत लिंक करवाना होता है, इस योजना से लिंक करवाना होता है, और जिस तिथि को आपका एनुअल प्रीमियम का पे डेट होगा, ड्यू डेट होगा, ऑटोमेटिकली उनके बैंक अकाउंट से ये राशि डेबिट हो जाएगी। ठीक, अगर इतना भी अमाउंट अगर आपका मेंटेन नहीं है तो ये योजना भी वहीं पे लैप्स हो जाएगा। अगर खाता में पूरा बैलेंस 0 है और 20 रुपए भी नहीं है तो ये आपका बीमा योजना भी वहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक, इस योजना के तहत जो लाभार्थी है, अगर
यानी कि जो बीमा धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर वो मर जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो 2,00,000 रुपए की राशि उसके परिवार को प्रदान किया जाएगा। दूसरा यहां पे वर्ड किया गया है, वर्ड यूज किया गया है स्थायी विकलांगता एवं अस्थायी विकलांगता। अब ये क्या होता है उसको ध्यान समझना, स्थायी यानी कि परमानेंट डिसेबिलिटी और आपका अस्थायी का मतलब क्या होता है ये भी समझाता हूं। देखिए स्थायी विकलांगता का मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर के ऊपर से ट्रक चले गया, ठीक है, ऐसे एक्सीडेंट हो गया, दुर्भाग्यवश ऐसी घटना घटित हुई, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, डॉक्टरों का कहना है कि उस व्यक्ति का पैर काटना पड़ेगा क्योंकि उस व्यक्ति का पैर अब किसी कार्य का नहीं रहा, तो उस व्यक्ति का एक पैर काट दिया गया, काट के अलग ही कर दिया गया, तो ये कहलाता है आपका स्थायी विकलांगता, ठीक है, स्थायी विकलांगता। दूसरा होता है अस्थायी विकलांगता, यानी कि किसी व्यक्ति का कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट के बाद उसका जो है पैर फ्रैक्चर हो गया, पैर की हड्डी टूट गई, ठीक, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उस हड्डी को जोड़ दिया, लेकिन आज भी वही वो व्यक्ति जो है थोड़ा सा लंगड़ करके चलता है उस एक्सीडेंट की घटना के कारण, यानी कि उसको रिकवर होने में काफ़ी समय लगता है, तो वो कहलाता है अस्थायी विकलांगता। तो मृत्यु तथा स्थायी विकलांगता की दशा में 2,00,000 रुपए का कवर और अस्थायी विकलांगता की दशा में 1,00,000 रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। हमारे प्रदेश में जून 2023 तक की स्थिति में 98.44 लाभार्थी मौजूद है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना यह भी 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के तहत लागू किया गया। इसके अंतर्गत पात्र जो पात्रता निर्धारित की गई है वो है 18 से लेकर के 40 वर्ष आयु, ठीक है, 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इस योजना के लिए पात्र होंगे। अब ये क्या है, एक निश्चित राशि 20 वर्ष तक इसमें जमा करनी होती है, एक निश्चित राशि 20 वर्ष तक जमा करनी होती है और इसके लिए असंगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे, जिन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद इस योजना के तहत पेंशन दिया जाएगा और पेंशन की राशि 1,000 से 5,000 रुपए मासिक मंथली यहां पे पेंशन दिया जाएगा। ध्यान समझना क्या कह रहा है, अटल पेंशन योजना जो कि 9 मई 2015 को लागू हुआ, इसके अंतर्गत जो पात्रता जो आयु निर्धारित की गई है वो है 18 से लेकर के 40 वर्ष। इस आयु वर्ग के लोगों को अगले 20 साल तक, ठीक है, नेक्स्ट 20 ईयर, अगले 20 साल तक उन्हें एक निश्चित राशि जमा करनी होगी, 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, अलग अलग स्लैब है। अगर कम राशि जमा कर रहा है तो उसे 1,000 रुपए महीना मिलेगा, अगर ज्यादा राशि जमा कर रहा है तो उसको जो है 60 साल के बाद 5,000 रुपए तक का पेंशन मिलेगा। अभी हमारे लिए वो स्लैब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना मंथली बेसिस पर वो अभी जमा करेगा 20 साल तक, उसके आधार पर उसे 60 साल की उम्र के बाद पेंशन राशि मिलेगी, ठीक है, 20 साल तक। जैसे कि मान लीजिए किसी ने जो है 20 साल की उम्र में इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसे 40 साल की उम्र तक पैसा जमा करना होगा, किसी ने 30 साल की उम्र में इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसे 50 साल तक अगले 20 ईयर 50 साल तक उसे पैसा डिपॉजिट करना होगा, किसी ने 40 साल की उम्र में रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसे 60 साल तक मंथली बेसिस पे डिपॉजिट करना होगा। कम से कम निश्चित राशि, एक निश्चित राशि 20 साल तक जमा करनी है और इस योजना में असंगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को शामिल किया गया है। असंगठित निजी क्षेत्र, देखिए एक होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि सरकार के अधीन कार्यरत आपके जो कर्मचारी है उनकी बात हो रही है, उन्हें रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट के द्वारा पेंशन दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, देखिए उनकी जो तनख्वाह मिलती है उनके तनख्वाह से एक अमाउंट जो है डेबिट करती है सरकार और जब वो रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें मंथली पेंशन दिया जाता है। वैसे अगर हम प्राइवेट सेक्टर कंपनी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, संगठित है, तो उनमें भी जो एम्प्लॉय है उन्हें मंथली पेमेंट तो दिया जाता है लेकिन उनके भी सैलरी से कुछ ना कुछ अमाउंट डेबिट करते हैं और जब अगर कोई वो जो आपका एम्प्लॉय है कंपनी को छोड़ करके जाता है तो वो राशि उसको एक साथ उसके हाथ में दे दी जाती है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक है, फॉर एग्जाम्पल किसी सोसाइटी में कार्य करने वाली जो काम वाली बाई घर घर में जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन का कार्य करती है, किसी सोसाइटी के बाहर कार्य करने वाला एक आपका प्यून, ठीक है, जो बाहर में जो आपके प्यून रहते हैं उनकी बात हो रही है, किसी बिल्डिंग बनाने में जो ठेकेदार लगते हैं ठेकेदार के अंदर कार्य करने वाले श्रमिक, ईंटा ढोने वाले,
ठीक है, साफ सफाई, कचरा साफ सफाई करने वाले, तो ये सारे श्रमिक जो कि असंगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक हो, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ना हो, असंगठित निजी क्षेत्र, यहां पे असंगठित वर्ड यूज किया गया है, संगठित नहीं, असंगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक जिन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन राशि 1000 से 50000 रुपए दी जाएगी, डिपेंड करेगा कि उसने कौन सा स्लैब चुना है और कितनी राशि वो 20 साल तक जमा कर रहा है। इस अटल पेंशन योजना के तहत हमारे प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या है 8.56 लाख लाभार्थी, ठीक है। तो ये तीनों योजनाओं को याद रखिएगा, कथन आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, सिंगल इंडिविजुअल, कथन आधारित दोनों। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पात्र हितग्राहियों की आयु सीमा कितनी निर्धारित है, 18 से 50 वर्ष, 18 से 40 वर्ष, 18 से 70 वर्ष, 18 से 60 वर्ष, तो ये आयु से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो कितनी निर्धारित है आपकी, 18 से 70 वर्ष प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आगे सुकन्या समृद्धि योजना। अब ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, भारत सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया, बेटी बेटियां बोझ नहीं होती, इस उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की भारत सरकार ने, क्योंकि हमारे देश में आज भी जो रूढ़िवादी समाज है वहां पे बेटियों को बोझ समझा जाता है। केवल ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों की बात नहीं है, शहरी क्षेत्रों में भी रहने वाले जो एजुकेटेड पीपुल है, जो आपके पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, उनके भी माइंड में कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं, रूढ़िवादी विचारधारा के लोग, जो कि बेटियों को बोझ समझते हैं। जैसे ही घर में बेटियों का जन्म होता है तो वो आगे का हिसाब किताब लगाने बैठ जाते हैं कि बेटी का जन्म हुआ इसके पढ़ाई में पैसा लगेगा, इसके रख रखाव में पैसा लगेगा, रहन सहन खाने पीने में पैसा लगेगा, फिर जब ये बड़ी हो जाएगी तो उसका दहेज का पैसा देना पड़ेगा, और फिर ये बेटी विदा होकर के दूसरे घर में चले जाएगी, तो पढ़ाई लिखाई का खर्च, दहेज का खर्च, ऐसे विचारधारा के लोग मौजूद है आज भी हमारे इस समाज में, जहां पे बेटियों को बोझ समझा जाता है, उसे पराया धन समझा जाता है, पाल पोस के हम बड़ा करेंगे, इसके पढ़ाई लिखाई में हम खर्चा करेंगे, लालन पालन में हम खर्चा करेंगे, दहेज भी हम देंगे, और वो किसी दूसरे के साथ, दूसरे के घर, दूसरे की अमानत है, पराया धन समझते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि केवल ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग मौजूद है जो कि अशिक्षित है, बहुत से शिक्षित लोग भी ऐसी विचारधारा से ग्रसित है, जो कि पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग में काउंट होते हैं। तो इस उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया था, और साथ ही साथ सुकन्या समृद्धि स्कीम भी लेकर के आई थी। सुकन्या समृद्धि स्कीम ये क्या है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही इस सुकन्या समृद्धि योजना को लाया गया था, ध्यान दीजिएगा। इस योजना को 22 जनवरी 2015 को अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया गया। इसमें 10 वर्ष से कम आयु की बालिका का इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक बैंक अकाउंट खोला जा सकता है, जिसमें न्यूनतम जमा राशि 250 रुपए सालाना न्यूनतम जमा राशि उनके बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं, ठीक है। अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए यह योजना लागू है, एक परिवार के, एक माता पिता के मैक्सिमम 2 बालिकाओं के लिए यह योजना लागू है। इसमें लिमिट क्या है, देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें एक ही परिवार की 2 बालिकाओं का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक अकाउंट खोला जा सकता है पोस्ट ऑफिस में जाकर के। इसमें जो बालिका है उसकी उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, और मैक्सिमम 2 बालिका, एक परिवार की मैक्सिमम 2 बालिका का बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। अब जो उनका बैंक अकाउंट खुलाया गया है, उस बैंक अकाउंट में कम से कम 250 रुपए से लेकर के अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए एक साल में जमा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने बैंक अकाउंट खुलाया, पहले महीने में 250 रुपए जमा किया तो हर साल हर महीने आपको 250 ही रुपए जमा करना है, ये राशि बढ़ा घटा सकते हैं। कम से कम 250 रुपए, पहले महीने में 250 कर दिए, अगले महीने 500 कर दिए, ज्यादा पैसा आया तो 10,000 डाल दिए, उससे ज्यादा पैसा आया तो 1 लाख रुपए डाल दिए, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा कर सकते हैं इन बैंक अकाउंट में, ठीक है। न्यूनतम राशि है 250 रुपए, मैक्सिमम है 1.5 लाख रुपए सालाना, ठीक। और यह जो राशि है अगले 14 साल तक डिपॉजिट करना होगा, नेक्स्ट 14 ईयर, 14 साल तक यह राशि जमा कर सकते हैं।
उसके बाद इसकी मैच्योरिटी परिपक्व कब होगा यह राशि, जब लड़की का उम्र 21 साल हो या उसका शादी तय हो जाए। ठीक है, जब लड़की की उम्र 21 साल हो जाएगी तब इस ये जो आपका सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो बैंक अकाउंट खुलवाया गया है उसकी राशि को विड्रॉल कर सकते हैं, या लड़की की शादी फिक्स हो जाए। हमारे भारत देश में लड़कियों की न्यूनतम जो आयु क्या निर्धारित है शादी के लिए, 18 साल। मान लीजिए लड़की की पढ़ाई पूरी हुई, 18 साल की उम्र हो गई, उसके बाद उसका शादी कराना है, तो उस कंडीशन में 21 साल उम्र नहीं देखा जाएगा। लड़की का शादी तय हो गया, चाहे वो उसका उम्र 18 साल हो, 19 साल हो या 20 साल हो, वो अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकलवा सकते हैं। या फिर जब लड़की की उम्र 21 साल हो जाएगी, भले वो शादी कर रही है या नहीं कर रही है, तब भी 21 साल की उम्र में वो पूरा का पूरा पैसा विद इंटरेस्ट निकाला जा सकता है। इसके साथ साथ बीच में भी पैसा निकालने की फैसिलिटी है, 50% विड्रॉल, कुल जमा राशि का 50% 18 वर्ष की उम्र में शिक्षा के लिए एजुकेशन पर्पस से निकाला जा सकता है। यानी कि जो राशि जमा की गई है उस राशि की आधा अमाउंट एजुकेशन के लिए, लड़की की आगे के पढ़ाई के लिए 50% अमाउंट विड्रॉल किया जा सकता है। ठीक, ध्यान समझिएगा, अभी दिसंबर 2023 तक के स्थिति में इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 8.2% 8.2% ब्याज दिया जा रहा है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलाए जाने वाले बैंक खातों पर। अगर आप नॉर्मल जो कमर्शियल सेक्टर के बैंक, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट बैंक हो, उसमें अगर आप खाता खुलवाते हैं तो 3 से 3.5% तक का ब्याज बस मिलता है, 3 से 3.5% तक का ब्याज, जबकि इसमें मिल रहा है 8.2% दिसंबर 2023 के बाद से। ये था, ये परसेंटेज मैक्सिमम था वर्ष 2015-16 में, कितना, 9.2%, इतना मैक्सिमम ब्याज की राशि जा चुकी है। अभी वर्तमान में पूछा जाए तो दिसंबर 2023 के बाद से इसमें 8.2% ब्याज इसमें प्रदान किया जाता है जमा धनराशि पर। यह है आपका सुकन्या समृद्धि योजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुद्रा योजना, मुद्रा योजना जो कि एक ऋण योजना है। मुद्रा, MUDRA, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म आता है एग्जाम में। ठीक है, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, जो कि एक ऋण योजना है। अखिल भारतीय स्तर पर 8 अप्रैल 2015 को एग्जाम में इस डेट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना की शुरुआत की गई, जो कि सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय को ऋण उपलब्ध कराता है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय, जो बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं उन बड़े बड़े व्यवसाय को उनके एनुअल टर्नओवर के आधार पर, ठीक है, वार्षिक जो उनका टर्नओवर है उस आधार पर उन्हें सभी के सभी बैंक ऋण लोन देने के लिए आपके तैयार रहते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे उद्योग है जिनका टर्नओवर ज्यादा नहीं है उन्हें लोन देने के लिए कोई भी बैंक तैयार नहीं होता। ठीक है, जो बड़े बड़े जो उद्योग है जैसे अडानी हो गए, अंबानी हो गए, जो बड़े बड़े आपकी इंडस्ट्री चला रहे हैं उन्हें सभी के सभी बैंक लोन देने के लिए तैयार है। ठीक, लेकिन जो छोटे उद्योग है उन्हें लोन देने के लिए कोई बैंक तैयार नहीं होता, उनके लिए लाया गया आपका मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, जो कि सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय को ऋण उपलब्ध कराता है। उसका भी कुछ कंडीशन है, 3 चरण में ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। कंडीशन क्या है कि उस उद्योग को स्थापित हुए कितने साल हो गए और उस उद्योग का टर्नओवर कितना है। ठीक है, जो बड़े उद्योग है उससे कंपेयर नहीं किया जा रहा, लेकिन टर्नओवर देखा जाता है। तो शिशु, अगर मान लीजिए वो शिशु चरण में है, ठीक है, तो उन्हें 0 से 50 मैक्सिमम 50,000 रुपए तक की राशि लोन के रूप में दी जाएगी। अगर किशोर अवस्था में है तो 50,000 से 5 लाख रुपए तक की राशि, और तरुण कैटेगरी के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख रुपए का ऋण सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय उद्योगों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका मुद्रा योजना, मुद्रा योजना को याद रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन आता है कि शिशु चरण के अंतर्गत कितना ऋण दिया जा रहा है, किशोर के अंतर्गत, तरुण के अंतर्गत कितना ऋण उपलब्ध कराया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राज्यों में बैंकिंग कार्यों की गतिविधियां। इससे तो अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी एक नजर रख लीजिए, हमारे प्रदेश में बैंकों की कुल संख्या कितनी है पूछा जाए तो वो है आपकी 47।
और शाखाओं की, बैंकों की शाखाओं की संख्या कितनी है, तो 3338। एटीएम की कुल संख्या कितनी है, 3491। और इन बैंकों में कुल जमा धनराशि कितनी है, तो वो है आपका 237,871.80 करोड़ रुपए। इसका एक ओवरव्यू नजर इसमें रखिए, वैसे आज तक एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रुपे कार्ड क्या है, ये एक डेबिट कार्ड होता है, ठीक है, जो आप एटीएम में अपना एटीएम कार्ड जो बोलते हैं, एटीएम कार्ड में एटीएम में डाल करके पैसा निकालते हैं, तो अभी अधिकांश जो आपके कार्ड है वो है रुपे कार्ड, ठीक है। देखिए पहले ये जो आपका रुपे कार्ड है, रुपे कार्ड की शुरुआत हुई 8 मई 2014 को। इससे पहले चलता था आपका वीजा कार्ड और मेस्ट्रो कार्ड, ठीक है, विदेश की कंपनी जारी करती थी ये आपका डेबिट कार्ड को, वीजा मेस्ट्रो, तो ये सभी के सभी विदेश की कंपनियां थी, और हर विड्रॉल पर या आपके इस आप जो एटीएम को स्वाइप करते हैं, कहीं किसी खरीदी के लिए जाते हैं, एटीएम को स्वाइप करते हैं या विड्रॉल करते हैं, तो ये जो आपकी दूसरे देश की कंपनियां थी, ये हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ परसेंटेज चार्ज करती थी, ठीक। और सबसे बड़ा इशू था कि हमारे भारत देश के जो खाता धारक है उनकी जानकारी विदेश की कंपनियों के पास जा रही थी, तो इसीलिए भारत सरकार ने शुरू किया आपका रुपे कार्ड, ठीक है, रुपे कार्ड 8 मई 2014 को इस रुपे कार्ड की शुरुआत की गई। जो भी आज के डेट में जो भी अपना बैंक अकाउंट खुलवाने जाता है उसको फ्री में रुपे डेबिट कार्ड दे दिया जाता है, जबकि वीजा और मेस्ट्रो कार्ड का जब दौर था तो उस आपके एटीएम कार्ड लेने के लिए ही 250 से 300 रुपए 500 रुपए तक की राशि ली जाती थी, और आज के डेट में रुपे कार्ड फ्री में दिया जाता है। हाँ, एनुअल चार्ज जरूर लिया जाता है, लेकिन शुरू में कार्ड देने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। रुपे कार्ड 8 मई 2014 को भारतीय बैंकों और भारत में वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति प्रदान करता है ये रुपे कार्ड, ठीक है। इसे नियोजित किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा इसे नियोजित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक। सुविधा, यह भारतीय बैंकों को काफी कम और सस्ती लागत पर कार्ड भुगतान की सुविधा देता है, यानी कि जो पहले की जो कंपनियां थी वीजा कार्ड मेस्ट्रो कार्ड, उनके कंपैरिजन में कम लागत पर यह कार्ड उपलब्ध होता है, क्योंकि भारत में ही आपका भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। विशेष, प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को जारी किए गए रुपए कार्डों की संख्या है आपका 1,05,32,552। याद है हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देखा था जो जीवन बीमा जो मिल रहा था, याद है कि नहीं, मृत्यु के टाइम पे, ये देखिए ये वाला दुर्घटना बीमा में 1,00,000 रुपए मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, रुपए कार्ड होना चाहिए खाता धारक के पास। तो यही कहा जा रहा है कि ये जो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों को जो कार्ड जारी किए गए हैं उसकी संख्या है 1,05,32,552 3 जनवरी 2024 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में कुल इतने कार्ड जारी किए जा चुके हैं, 1,05,32,552 इतने रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं 3 जनवरी 2024 तक की स्थिति में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कृषक क्लब और कृषक उत्पादक संगठन। अब ये होता क्या है, आप स्क्रीन पर क्या लिखा है उसे देख करके पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर साधारण शब्द में समझाऊं तो जो आपका कृषक क्लब और कृषक उत्पादक संगठन होता है, ये किसानों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। किसी एक जगह पे जो है कृषक क्लब या कृषक उत्पादक संगठन की स्थापना की जाएगी, उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है, और उन्हें जो सरकार के द्वारा जो नई नई किसानों के लिए योजनाएं लागू की जा रही है उसके बारे में जागरूकता जानकारी दी जाएगी, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है कृषि क्षेत्र में उससे उनको अवगत कराया जाएगा, बीजों का सही तरीके से प्रयोग कैसे करें, उर्वरकों का सही मात्रा में प्रयोग कैसे करें, जो खाद्य आ रहे हैं जो जैविक खाद होते हैं जैविक खाद का उपयोग किस मात्रा में करें, रासायनिक खाद का उपयोग किस मात्रा में करें, जो कृषि यांत्रिकरण आ रहा है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रहा है उसका प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है इस कृषक क्लब और कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से, ठीक है। तो हमारे प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठन संवर्धित है आपका 57 कृषक उत्पादक संगठन,
प्रोड्यूस निधि के अंतर्गत और कृषक उत्पाद संगठन स्वीकृत है 6 कृषक उत्पाद संगठन PODFID के अंतर्गत। अब ये है क्या, देखिए सीधे साधारण शब्दों में हमारे प्रदेश में कृषक उत्पादकों संगठनों की कुल संख्या वर्तमान में मौजूद है 57 और स्वीकृत है, यानी कि आगे आने वाले समय में 6 और कृषक उत्पादक संगठन स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो आपको निधि दिया गया प्रोड्यूस निधि, ये नाबार्ड के द्वारा एक प्रोड्यूस निधि यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है इन 57 कृषि उत्पाद संगठनों को, और यहाँ दिया गया है PODF निधि यानी कि ऋण के माध्यम से ये कृषक उत्पाद संगठन आगे स्वीकृत किए जाएंगे। उतना टेक्निकल वर्ड में मत जाइए, बस इतना समझ लीजिए कि कितना संवर्धित है पूछेगा तो 57 और कितना स्वीकृत है पूछेगा तो 6 कृषक उत्पाद संगठन, ठीक है। उद्देश्य, निविष्टियों का प्रबंधन, उत्पादों का एकत्रीकरण, अधिप्राप्ति और विपणन जैसे कार्य कृषि उत्पाद संगठनों को देना, ठीक है। उनको जो है सामान्य जानकारी तो देगा, उन्हें सरकार की योजनाओं को जानकारी भी देगा, उन्हें यांत्रिकरण का प्रशिक्षण भी देगा, लेकिन उनके बदले में जो आपका जो कृषक उत्पादक संगठन और कृषक क्लब है उन्हें जो है विनिष्ठियों का प्रबंधन करना, उत्पादों का एकत्रीकरण करना, अधिप्राप्ति और विपणन जैसे कार्य कृषि उत्पाद संगठनों को देता है, यानी कि उनसे सरकार जो है कार्य भी लेगी। विशेष, भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 10,000 किसान उत्पाद संगठन का गठन और संवर्धन के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 14 विभिन्न जिलों में 25 कृषक उत्पाद संगठन के गठन की स्वीकृति दी गई है तथा उनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सहकारिता। अब सहकारिता होता क्या है, यहाँ पे जो थ्योरी लिखा है उसे फटाफट पढ़ करके बता देता हूँ, फिर समझाऊंगा होता क्या है। सहकारिता विभाग का मुख्य आधार सहकारी संस्थाएं है, इन संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्र में लोकोपयोगी कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रदेश के कृषक को कम ब्याज पर, ठीक है यहाँ पे कम ब्याज लिखा जाएगा, को कम ब्याज या ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। सहकारी संस्थाएं कृषि उत्पादन, उत्तम खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर खरीद, उपभोक्ता, आवास, मत्स्य, डेयरी, बुनकर, खनिज, वनुपज, बीज उत्पादन, शिक्षा प्रशिक्षण और औद्योगिक इकाइयों के निर्माण और संचालन के लिए संकल्पित है, ठीक है। यह है आपका सहकारिता। सहकारिता यानी कि सहकारी समितियों के माध्यम से जो किसान है, जैसे अगर जैसे जो कृषि कार्य में संलग्न है उनको पता होगा, एक होता है सोसाइटी, ठीक है, यानी कि सहकारी संस्था होता है जहां पर एकदम कम लागत में आपको प्रमाणित बीज भी मिल जाएंगे, कम लागत पे उर्वरक, रासायनिक खाद, ये सारे चीज़ जो है सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को वितरित किया जाता है, कम राशि में जो है उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। तो इसी सहकारिता का हिस्सा है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक जिसे एपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे एपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अब ये छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक क्या है, ये कोऑपरेटिव बैंक है। एक होता कमर्शियल बैंक और एक होता ये है आपका कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक जो कि क्या करते हैं, आप अपना जो पैसा है वो कमर्शियल बैंक यानी कि या गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के बैंक में जाकर के आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसके बदले में वो बैंक आपको 3%, ठीक है, कहीं पे 3%, कहीं पे 3.5%, 3% तक का ब्याज आपको देता है। और जो आपने अपना पैसा जमा किया बैंकों में वो बैंक आपके पैसे को आगे किसी को लोन में देता है, 8%, 10%, 12% तक का लोन देता है। तो आपको दे रहा है 3%, आगे उसने दिया 8%, तो बीच का जो 5% है वो बैंक का फायदा रहता है, ठीक है। तो ये जो बैंक जो है ना, ये जो बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है उस पर काम करती है, ये बैंकिंग प्रणाली है। लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक है वो कम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करता है, ठीक है। ये जो हम इतना जो सहकारिता के बारे में पढ़े, सहकारिता के बारे में जो हमने इतना चीज देखा, यानी कि कृषकों को जो है ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी है कृषि उत्पादन, उत्तम खाद, बीज, ये सारे चीज़ों के लिए जो है कम से कम कीमत पर उन्हें जो है कम से कम ब्याज दर पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। ये है आपका सहकारिता का कॉन्सेप्ट, ठीक।
तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता बैंक, जिसे एपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसकी संख्या है हमारे छत्तीसगढ़ में एक, ठीक है, एक आपका एपेक्स बैंक है हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक। और इस एपेक्स बैंक के अंतर्गत कुल 7 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक संचालित है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, तो वो है आपकी एक। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? एक। और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की संख्या कितनी है पूछा जाए, तो वो है आपकी 7। ठीक है, कौन कौन सा? रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और एक है आपका रायगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की संख्या है टोटल 7, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और रायगढ़। यहां लिखा हुआ है रायगढ़ का परिसमापन के कारण रायगढ़ एवं जशपुर जिले में एपेक्स बैंक की शाखा है, यानी कि दोनों को मर्ज कर दिया गया है, रायपुर और आपके जशपुर को। ठीक, अगर आप देखेंगे तो रायपुर का आपकी जो कार्य क्षेत्र है वो धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदा बाजार, रायपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में है। दुर्ग की देखेंगे तो दुर्ग, बालोद, बेमेतरा इसका कार्य क्षेत्र है। जो राजनांदगांव का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है उसका कार्य क्षेत्र राजनांदगांव और कबीरधाम में है। बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की अगर हम बात करें तो बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरबा, शक्ति, गोरेला पिंडा, मरवाही इसका कार्य क्षेत्र है। अंबिकापुर की बात करें तो अंबिकापुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया इसका कार्य क्षेत्र है। जगदलपुर की बात करें तो आपके जो जगदलपुर जिला सहकारी बैंक है उसका पूरा का पूरा बस्तर संभाग के 7 जिलों में इसका कार्य क्षेत्र है। और अगर रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और जसपुर, देखिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ में एक रायपुर का भी है और दूसरा आपका रायगढ़ का भी है। ठीक, अगर बात करें इनकी शाखाओं की तो सबसे ज्यादा शाखा किसका है पूछा जाए तो रायपुर जिला सहकारी बैंक की शाखा सर्वाधिक है, कितनी? 70। और कुल शाखाओं की संख्या कितनी है? 329। और इधर है आपका प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां। ठीक है, आपका प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों की कुल संख्या कितनी है पूछा जाएगा तो 2058। ठीक है, हमारे प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो उनकी कुल संख्या है 2058। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, स्थापित शक्कर कारखाने। हमारे प्रदेश में कुल 4 शक्कर कारखाने स्थापित है, एक है आप, 2 है आपके कवर्धा जिले में, एक है आपका बालोद जिले में और एक है आपके सूरजपुर जिले में। कवर्धा जिले में है 2, एक भोरमदेव शक्कर कारखाना और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। बालोद में है आपके दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना और सूरजपुर में है माँ महामाया शक्कर कारखाना। हमारे प्रदेश का पहला शक्कर कारखाना है भोरमदेव शक्कर कारखाना, जिसका उत्पादन वर्ष है वर्ष 2002-03। ठीक है, जो कि मौजूद है कवर्धा जिले के रामहेपुर ग्राम में। प्रदेश का दूसरा शक्कर कारखाना है माँ महामाया शक्कर कारखाना, जो कि सूरजपुर जिले के केतरा ग्राम में स्थित है। इसका उत्पादन वर्ष है वर्ष 2009-10। हमारे प्रदेश का तीसरा शक्कर कारखाना है दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना, जो कि मौजूद है आपके बालोद जिले के करकाभाटा में। इसका उत्पादन वर्ष है वर्ष 2009-10। और हमारे प्रदेश का चौथा शक्कर कारखाना है कवर्धा के पंडरिया में, इसका उत्पादन वर्ष है आपका 2016-17। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक साइड आपके शक्कर कारखानों के नाम दे देगा, दूसरे साइड उनका स्थान दे देगा, सुमेलित कीजिए करके आएगा। ठीक, इन चारों शक्कर कारखाने में सर्वाधिक पेराई क्षमता किसकी है पूछा जाए तो वो है आपके भोरमदेव शक्कर कारखाने की। भोरमदेव शक्कर कारखाने की पेराई क्षमता सर्वाधिक है। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, जगह जगह पे आपके गन्ना रस का स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पे गन्ना रस का दुकान देखे, 2 रोलर घूमते रहता है, उस रोलर के बीच में गन्ना को डाला जाता है, उससे रस निकलता है, उसको कहा जाता है गन्ने की पेराई करना, यानी कि गन्ने को निचोड़ करके रस निकालना, ये कहलाता है पेराई। और ये क्षमता है TCD में, TCD टन्स क्रश्ड पर डे। क्रश्ड मतलब वही जो हम पेराई जो कर रहे हैं, पूरे गन्ने को निचोड़ रहे, उसे कहा जा रहा है क्रश्ड, यानी कि एक दिन में कितना टन गन्ना क्रश करके उससे रस निकाला जा रहा है। तो TCD का मतलब टन्स क्रश्ड पर डे। ठीक है, तो 3500 टन क्रश्ड पर डे, यानी कि 3500 टन गन्ना को क्रश करके आपका उससे रस निकाला जाता है शक्कर बनाने के लिए। तो सर्वाधिक पेराई क्षमता है आपके इस भोरमदेव शक्कर कारखाने का। ठीक,
आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका किसानों से गन्ना खरीदी, किसानों से गन्ना गन्ना खरीदी एवं उत्पादन पेराई वर्ष 2022-23 का ये आंकड़ा है, ठीक है। ये भोरमदेव शक्ति, इसमें सभी नहीं पढ़ना है, सभी पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बता रहा हूँ उसको ध्यान देना। यहाँ पे चारों शक्कर कारखाने के नाम दिए हैं, भोरमदेव, कवर्धा, महामाया, सूरजपुर, दंतेश्वरी, बालोद और वल्लभ भाई पटेल, पंडरिया। इसमें जो सर्वाधिक पेराई का लक्ष्य रखा गया था वो था आपके भोरमदेव शक्कर कारखाने में, क्योंकि इसी की पेराई क्षमता सर्वाधिक है, जिससे देखिए 4.5 लाख मेट्रिक टन इसकी इसके पेराई का लक्ष्य रखा गया था, जबकि पेराई हुआ आपका 3,46,822 मेट्रिक टन का, जिससे 38,553 आपका मेट्रिक टन शक्कर का उत्पादन हुआ, ठीक है, शक्कर का उत्पादन हुआ। बस इसमें ये याद रख लेना आप कि पेराई क्षमता सर्वाधिक किसका है, भोरमदेव शक्कर कारखाने का। कुल पेराई लक्ष्य कितना आपका निर्धारित था, 12,15,000 का। सर्वाधिक पेराई कहाँ पर हुआ, आपके भोरमदेव शक्कर कारखाने में। बस इसी को याद रखना, वैसे इससे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस शक्कर कारखाने और उनका स्थान कहाँ है उससे क्वेश्चन आते हैं जनरली। सर्वाधिक पेराई क्षमता किसके पूछा जाएगा, तो भोरमदेव शक्कर कारखाने की पेराई क्षमता सर्वाधिक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट, प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट। अब ये इथेनॉल प्लांट देखिए, इथेनॉल का उपयोग जो है प्रदेश सरकार का जो टारगेट है, इस इथेनॉल का उपयोग पेट्रोलियम में किया जाएगा, यानी कि पेट्रोल में मिला करके, इस इथेनॉल को पेट्रोल में मिला करके बेचा जाएगा, ठीक है। एक अनुमान के हिसाब से 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल का मिश्रण मिला करके बेचा जाएगा। तो हमारे प्रदेश का जो एथेनॉल प्लांट है ये गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट, गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट, गन्ने के मोलासिस से एथेनॉल का निर्माण, ठीक है, गन्ने के मोलासिस से एथेनॉल का निर्माण, एथेनॉल प्लांट। हमारे प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, ग्राम रामहेपुर, कवर्धा में। इसका उत्पादन प्रारंभ हो चुका है 15/7/2023 से इस भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, जहां पर 80 किलो लीटर प्रतिदिन KLPD 80 किलो लीटर प्रतिदिन एथेनॉल निर्माण यहां पर किया जा रहा है। इसके लिए MOU यानी कि समझौता हस्ताक्षर हुआ है NKG बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, जिसे छत्तीसगढ़ डिस्लरी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है आपका प्रस्तावित मां महामाया शक्कर कारखाना, केतरा ग्राम सूरजपुर में, यह प्रस्तावित है, प्रारंभ हो चुका है आपके भोरमदेव में प्रस्तावित। अगला प्रस्तावित है आपके मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, जो कि सूरजपुर के केतरा ग्राम में स्थित है। यहां पे 20 किलो प्रति लीटर प्रतिदिन आपके एथेनॉल निर्माण यहां पे किया जाएगा, अभी प्रस्तावित है, प्रारंभ हो चुका है भोरमदेव वाला, प्रस्तावित है आपके मां महामाया शक्कर कारखाने में। इसके लिए VSI पुणे के साथ समझौता करार हुआ है, ठीक है। तो ये है आपके गन्ना आधारित, यानी कि गन्ना की मोलासिस से एथेनॉल का निर्माण। अब नेक्स्ट है आपके मक्का से, ये गन्ना से एथेनॉल निर्माण था, अब इसके बाद है मक्का से एथेनॉल का निर्माण, मक्का से एथेनॉल का निर्माण। हमारे प्रदेश में मक्का प्रसंस्करण केंद्र स्थित है, माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण केंद्र, प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति, जो कि कोंडागांव जिले के कोकोड़ी में स्थित है, यह आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। हमारे प्रदेश का मक्का प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर स्थित है, कोकोड़ी ग्राम कोंडागांव में, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कैबिनेट ने इसमें जो है, कैबिनेट ने इसे अनुमति दी थी 1 जनवरी 2022 को, ठीक है, 1 जनवरी 2022 को, जहां से 80 किलो लीटर प्रतिदिन एथेनॉल निर्माण का यहां पर लक्ष्य है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति कहां पर स्थित है, कोकोड़ी ग्राम कोंडागांव में। और नीचे तरफ स्थापित पावर प्लांट, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 14 मेगावाट का को जनरेशन पावर प्लांट, ये कहां पर है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पंडरिया, जिला कवर्धा, यानी कि कबीरधाम, जहां पर 14 मेगावाट का को जनरेशन पावर प्लांट यहां पर स्थापित है, ठीक है, स्थापित हो चुका है। और दूसरा 6 मेगावाट का पावर टरबाइन,
6 मेगावाट का पावर टरबाइन जो कि मां महामाया शक्कर कारखाना ग्राम केतरा सूरजपुर मर्यादित अंबिकापुर जो सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग में मेन जो डेवलप सिटी है वो है अंबिकापुर। तो ये मां महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर जिले के केतरा ग्राम में जरूर है लेकिन उसे मर्यादित अंबिकापुर कहा जाता है। ठीक, अब पिछले साल किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर यहाँ पर 6 मेगावाट का जो पावर जनरेशन है ये होना चाहिए भोरम देव शक्कर कारखाने में। भोरम देव शक्कर कारखाने में काफ़ी समय से आपका जो गन्ने का जो अपशिष्ट बचता है उससे 6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है, पावर टरबाइन की बात हो रही है। और दूसरा चीज़, आपको अगर डाउट होगा तो आप जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जाकर के देखिएगा। गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक में सर्वे में दिए गए डाटा में हम किसी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते, जो उसमें दिया गया है उसे एज इट इज लिखते हैं। भोरम देव शक्कर कारखाने में भी 6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है कि 14 मेगावाट का को जनरेशन पावर प्लांट जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाने में स्थापित है और 6 मेगावाट का पावर टरबाइन जो कि मां महामाया शक्कर कारखाना केतरा ग्राम सूरजपुर मर्यादित अंबिकापुर में स्थापित है। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो एक टेबल है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, ये कृषक ऋण वितरण। हमारी प्रदेश सरकार जो है कृषि के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराती है, प्रदेश सरकार कृषि के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रायोजन, अधिकतम ऋण राशि और ब्याज दर। हमारे प्रदेश के कृषक अल्पकालीन कृषि ऋण अधिकतम 5 लाख रुपए 0% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है अल्पकालीन कृषि ऋण। ठीक है, कृषि ऋण अल्पकालीन भी होती है, मध्यकालीन भी होती है, दीर्घकालीन भी होती है। ठीक है, लेकिन जो अल्पकालीन कृषि ऋण है उसमें अधिकतम 5 लाख रुपए की राशि 0% ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन यहां पर क्या ध्यान देना है, अल्पकालीन। ठीक है, कम समय के लिए कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण 5 लाख रुपए की राशि 0% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2014 से 0% ब्याज दर पर किसानों कृषि को अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कि जो 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराए जाने की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। पहले ये राशि 3 लाख थी। देखिए, पहले के जो है आपके किसानों को 1 लाख रुपए 1% ब्याज दर पर, 3 लाख रुपए 3% ब्याज दर पर दिया जाता था। ठीक, तो अब इसे कर दिया गया 5 लाख रुपए 0% ब्याज दर पर, कब से, वर्ष 2014 से। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है मछली पालन और लाख की खेती। मछली पालन और लाख की खेती, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से मछली पालन और लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। किसका दर्जा दिया है, कृषि का दर्जा। यानी कि लाख की खेती और मछली पालन करने वाले मछुआरे, इन्हें भी क्या है, अब कृषक का दर्जा मिल गया है। क्योंकि मछली पालन और लाख की खेती को कृषि के अंतर्गत ला दिया गया, यानी कि इन्हें जो है एक कृषक का दर्जा मिला है, तो इन्हें भी किसानों के समान 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मत्स्य पालन एवं ऋण, इसमें 3 लाख रुपए तक अधिकतम 0% ब्याज दर पर दिया जाएगा और लाख की खेती करने वाले किसानों को पोषक वृक्ष कुसुम पर 5,000, बेर पर 900 रुपए तथा पलाश पर 500 रुपए प्रति वृक्ष ऋण सीमा निर्धारित की गई है 0% ब्याज दर पर। अब देखिए, एक बार का प्रश्न पूछा था कि प्रदेश में लाख की खेती किन वृक्षों पर की जाती है, तो ध्यान दीजिए, कुसुम के वृक्ष, बेर के वृक्ष और आपका पलाश के वृक्ष, ये आया हुआ क्वेश्चन है। कुसुम का वृक्ष, बेर का वृक्ष और पलाश के वृक्ष पर जो है लाख की खेती की जाती है। लाख एक प्रकार का चिपचिपा गोंद के समान पदार्थ होता है जो तीव्रता से आग भी पकड़ता है। चूड़ी उद्योग में इस लाख का जो है यूज होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। उद्यानिकी कार्य, ये भी एक प्रकार की कृषि है, इसमें 3 लाख रुपए तक का ऋण 0% ब्याज दर पर दिया जा रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, किसानों को अल्पकालीन ऋण 5 लाख रुपए, मछली पालकों को 3 लाख रुपए, आपके उद्यानिकी कार्य के लिए 3 लाख रुपए और लाख की खेती करने वाले को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
जबकि गौ पालन हेतु 2 लाख रुपए तक 1% और 2 से 3 लाख रुपए तक 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो इतना था आपका अध्याय 6 संस्थागत वित्त एवं विनियोजन के अंतर्गत। यहाँ पर आपका अध्याय 6 होता है समाप्त। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन क्लास छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप में चल रहा है। जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो मोबाइल ऐप में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, चलिए।